हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी बेटा 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 26, और जो हमारी डेट है वो है 28 दिसंबर 2020। ठीक है, इसमें हमारा लेसन चल रहा है दिस इज जोडीज फोन, जो हमारा कंटिन्यू है। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या लिखा है इसमें कि पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक। हमें जो ये सेंटेंसेज दे रखे हैं, हमें ये स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, हमें पहले सबसे पहले पढ़ते हैं कि पैनीज फेल्ट हैम्ड इन वैन जोडीज प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। कि जो पैनी था वो बहुत ही असमंजस में था। हैम्ड माने क्या होता है? असमंजस में होना, कि जब जोडी ने कहा कि वो फोन को क्या है घर लाएगा। दूसरा क्या है कि मिल विल ऑफर टू गिव हिम अ राइट टू जोडी टू फाइंड हिज फोन। कि जो मिल विल था उसने जोडी को क्या करा था, ऑफर किया था हेल्प की मैं आपको क्या है घोड़े पे बिठा के तुम्हारी सहायता करूंगा। तीसरा है कि फोन्स मदर वाज किल्ड, कि जो फोन की जो मदर थी वो किल्ड हुई, उसको मार दिया गया। जोडी सेंट मिल विल बैक, के जो जोडी ने किया है मिल विल को वापस भेज दिया। और फिफ्थ क्या है कि जोडीज मदर वाज स्टंड एट व्हाट जोडी हैड सेड, के जो जोडी की मदर थी वो बहुत ही मतलब स्टंड हो गई थी, अचंभित हो गई जब उसने जोडी ने कहा कि जो जोडी ने कहा था कि मतलब उसको वापस लाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है इसको स्टोरी के अकॉर्डिंग इसको हमें लाइन वाइज लगाना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द स्टोरी फर्स्ट को जो उसका जो सेंटेंस है वो क्या आएगा थर्ड। सबसे पहले क्या आएगा थर्ड कि जो फोन्स मदर वाज किल्ड, के जो फोन की जो मदर थी उसको मारा गया किसके लिए, उसके पा के जहर निकालने के लिए। सेकंड क्या आएगा कि पैनी फेल्ट हैम्ड, फर्स्ट आएगा कि जब पैनी को उसने बताया जोटी ने कि उसको घर लाएगा तो वो बहुत ही असमंजस में था। फिर वो आएगा, फिर क्या आएगा आपका फिफ्थ, फिर आपका फिफ्थ आएगा कि जब उसको जोडी की मम्मी को पता लगा तो वो बहुत ही स्टंट हो गई, मतलब बहुत ही अचंभित हो गई। आपका फिफ्थ आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा एक बार। फिर क्या आएगा, फिर आपका सेकंड, ठीक है ना, फिर आपका आएगा सेकंड के मिल विल ने किया, उसको ऑफर किया कि मैं आपको राइड मतलब आपको घोड़े बिठा के मैं आपके फ़ोन को ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। फिर आएगा सेकंड, और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका फोर्थ, के जो जोडी ने क्या कहा था मिल विल को, क्या क्या कहा था, वापस भेज दिया। तो बच्चों, ये हमने अब तक की जो स्टोरी थी इन सेंटेंसेज के थ्रू हमें जो लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था हमने पूरी कर ली। अब हम चलते आगे। ठीक है, कि रीड द फ्लोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। कंटिन्यू चल रहा है कि ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स टू एंड एंड देन कट टू द राइट। के मतलब उसने जब तक वेट किया, जब तक कि जो उसको आवाज़ थी वो चली नहीं गई, टापों की जो आवाज़ थी घोड़ों की, तब तक उसने इंतज़ार किया। फिर वो किया है राइट साइड मुड़ गया, सीधे गया। फिर वो द स्क्रब वाज स्टिल, लेकिन जो झाड़ियाँ थी अभी भी वहाँ थी। ओनली हिज आउन क्रैकलिंग ऑफ ट्विंग्स साउंडिंग अक्रॉस द साइलेंस। ट्विंग्स क्या होती है आपकी, छोटी छोटी जो टहनी होती है उसको बोलते हैं। वहाँ पे क्या, सिर्फ उसकी जो झाड़ियाँ थी जो वो मतलब वो हटाता हुआ जा रहा था, हाथों से हटाते हुए जाते हैं, उसी के क्या है वहाँ पे उसको आवाज़ जो आ रही थी, साइलेंस था, मतलब बहुत ही साइलेंस था, लेकिन जो उसको सिर्फ जो वो हटा रहा था अपने हाथों से उसी की उसको क्या है टहनियों की आवाज़ आ रही थी। फिर क्या कि ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। मतलब उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कहीं वो मतलब कहीं वो गलत जगह पर तो नहीं आ रहा। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. फिर क्या है, जो buzzard, buzzard means क्या होता है, ये जो आपको गिद्ध दिखा रखा है ना, गिद्ध इसको बोलते हैं buzzard। तो एक buzzard क्या है उसके सामने आया और जो अपने पंख को क्या है फ्लैप करने लगा, मतलब बहुत मतलब आवाज़ करने लगा। He came into the clearing under the oak. फिर वो क्या है, एक oak के पेड़ के जो एक जो oak का पेड़ था उसके नीचे क्या है चला गया। Buzzard sat in a circle around the सार्कस ऑफ द होय। सार्कस का कारकस बोलो, सार्कस बोलो, इसका मतलब क्या है, डेड बॉडी। डेड बॉडी होता है इसका मतलब क्या। फिर क्या होता है, जो बिजार्ड होता है वो क्या होती है, जो डेड बॉडी होती है डोई की, उसके चारों तरफ क्या है वो घूम रहा होता है। दे टर्न दियर हेड्स ऑन दी, जो देखो जैसे आप देख रहे यहाँ पे देख रहे हैं जैसे क्या बहुत सारे जो बिजर्ड्स हैं ये क्या है एक डेड बॉडी के पास बैठे हैं। एंड दे टर्न दियर हेड्स ऑन दियर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिज एट हिम। वो क्या है, अपनी जो बहुत लोग होते हैं क्या अपनी जो पतली सी गर्दन लेके उनको देखते हैं और उसमें क्या है झपट देखते हैं, मतलब हिज एट हिम मतलब उसको देखते हैं। ठीक है, मतलब अजीब तरीके से देखते हैं उसको। ही थ्रू हिज बो एट दैम। वो क्या है उसके ऊपर बो क्या होता है, जो टहनियाँ होती है लेकिन वो बहुत बड़ी टहनियाँ, उसको बो बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, जो जोड़ी होता है वो उनके ऊपर क्या है टहनियाँ मारता है। एंड दे फ्लू इन टू एडजस्टेंट ट्री। और वो क्या है, जैसे हम कई बार होता है ना कुछ पक्षी वक्षी होता है उस पर टहनी मार देते हैं, कुछ भी मार देते हैं तो क्या वो उड़ जाता है, ऐसे वो क्या है गिद्ध उड़ते हैं और क्या है एडजस्टेंट मतलब बराबर की जो ट्री होता है उस पर उड़ कर बैठ जाते हैं। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट
बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स. वो क्या उसको जो सैंड शोड लार्ज कैट कैट प्रिंट्स, मतलब क्या यहाँ पे जो शेर वेर जो उसको भी क्या है हम कैट के उसमें डालते हैं कि वो बिग कैट्स होते हैं, उसको क्या वहाँ पे सिर्फ जो जो बिग जानवर होते हैं उसके ही उसको वहाँ पे जो है फुटप्रिंट दिख रहे होते हैं, लेकिन जो बैक कैट्स होती है इसे बता रखा है जो बिग कैट्स हो जैसे शेर वेर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ फ्रेश जो मिल्क जो फ्रेश वो मांस ही खाते हैं, इसलिए वो क्या है हिरन को उनके लिए मतलब गिद्ध के इनके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि गिद्ध जो होते हैं वो ऐसे ही मरे हुए लोगों को खाते हैं. ठीक है, फिर क्या ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन. फिर क्या है, फिर क्या वहाँ पे जहाँ पे वो देखता है हिरण को वहाँ पे वो घास की कटाई करना शुरू कर देता है, मतलब घास को हटाता है मतलब देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था. ही डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो क्या है अगले दिन पिछले मतलब लास्ट दिन ही आया था, मतलब उसको बहुत ही अजीब वहाँ का एनवायरमेंट लग रहा होता, मतलब उसको लगी प्रतीति नहीं हो रहा कि ये कल की ही बात है. द फोन वॉज नॉट देयर. ठीक है, जो फोन था वो वहाँ पे नहीं था. ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने जो क्लियरिंग को क्या है सर्कल किया, उसने मतलब आसपास देखा कि भाई फोन है तो नहीं. देयर वॉज नो साउंड नो साउंड, वहाँ पे कोई भी आवाज़ कोई भी मतलब उसको अगर कोई भी निशान था वो उसको नहीं मिला. द बिजार्ड क्लक दियर विंग्स एंड इम्पेशन टू रिटर्न टू दियर बिजनेस. जो बिजार्ड था वो क्या अपने जो जो उनके जो पंख होते हैं उनको फड़फड़ाया और वो बहुत ही बेसब्री से अपने जो काम पे जाने के लिए तैयार थे. उनका काम क्या था, मतलब वो जो मरा हुआ डो था उसको उनको खाना था, वो ही उनका काम था. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टार्टिंग द सैंड फॉर द स्मॉल प्रूफ. ठीक है, फिर क्या होता है, ठीक है फिर क्या करा उसने, फिर क्या करा, ही रिटर्न टू द स्पॉट वहाँ पे जहाँ पे उसने फ़ोन को देखा था वहाँ पे उसने वहाँ पे गया और क्या है अपने ड्रॉप ऑल द फोर्स, मतलब क्या है अपने हाथ पैरों से क्या है वहाँ पे उसको क्या है मतलब खंगाला कहीं उसको उसको फुटप्रिंट मिल जाए. उसने उस तरीके से क्या है सैंड को देखा, मतलब उसने ढूंढने की कोशिश करी, देखो स्मॉल प्रिंट्स क्या है उसने अपने हाथों से पैरों से क्या है देखने की कोशिश करी. द नाइट्स रेन हैड वॉश अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बिजर्ड. लेकिन जो जो रात को जो है रेन हुई थी उसने क्या है सारे जो निशान थे वो क्या है सब हटा दिए, लेकिन बस क्या वहाँ पे सिर्फ बिजर्ड और जो कैट थी उसके ही जो है निशान बचे थे, और सब क्या है जो बारिश हुई थी उसने और सब जो है सारे निशान निशान जो है उसने हटा दिए. तो बच्चों ये हमने क्या है पढ़ लिया. अब हम इसके क्वेश्चन पे आते हैं कि हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, के वो कौन था जो हॉर्स पे क्या है मतलब चला गया था, वेंट अवे मतलब चला गया था, कौन था वो था मिल ही था जो क्या है हॉर्स पे बैठ कर क्या है वो चला गया था. द जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड, अब जो जोडी था वो क्या खोजने की कोशिश कर रहा था, हीज वे द फोन या रेयर प्लांट, वो क्या खोजने की कोशिश कर रहा था अपना रास्ता फोन को या प्लांट्स को, क्या कर रहा था वो हीज फोन. आप यहाँ पे क्या यहाँ पे बेटा भर लेना इसको. जोडी हैड थर्ड क्या है कि जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर देर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर या ही हैड सीन द फोन, के जो जोड़ी था वो उस प्लेस पे आया जहाँ पे क्या था जोड़ी था मतलब फ़ोन था या पानी की मतलब एक स्ट्रीम थी, तो कहाँ पे आया था वो जो जोड़ी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, जहाँ पे क्या है उसने फ़ोन को देखा था. फोर्थ क्या है कि जो जोड़ी गॉट रीड ऑफ बिजार्ड बाय थ्रोइंग हीज, उसने क्या जो जोड़ी ने किया है बिजार्ड को क्या गेर के अपने मतलब अपने पास से उसको भगाया, तो क्या भगाया था उसने बोल गेर के फेंक के या बो मतलब क्या बड़ी झाड़ियाँ तो उसने बो. ठीक है, फिर क्या है फिफ्थ के हुज फुटप्रिंट डिड द सैंड शो, के जो सैंड थी उसने किसके फुटप्रिंट अभी भी दिखाए उसको, बिजर्ड के फोन के क्या बिग कैट के, तो किसके दिखाए थे उसने बिग कैट के. आप क्या लिख देंगे बेटा बिग कैट. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है सिक्स्थ कि व्हाट डिड द बिजर्ड्स डू ऑन सीइंग जोडी, के जो बिजर्ड थे मतलब जो गिद्ध थे उसने जोडी को देखकर क्या क्या किया, उन्होंने क्या किया था हिज्ड एट हिम, तो उसने क्या मतलब उनको उनको देख उसको देख के फुंकार सी जैसे होते ना वो करी, तो क्या कहा हिज्ड एट हिम. व्हाई डिड द बिजर्ड क्लैक दियर विंग, के जो बिजर्ड थे उन्होंने अपने जो विंग्स थे मतलब उनको फड़फड़ाया क्यों, मतलब शैटर्ड क्यों मतलब फड़फड़ाया क्यों था, क्योंकि टू गिव जोडी डायरेक्शन, जोडी को डायरेक्शन देने के, या टू रिटर्न टू दियर बिजनेस, या अपने बिजनेस पे मतलब अपने धंधे पे जो वो कर रहे थे उस पर लौटने के लिए, तो क्या आएगा टू रिटर्न दियर बिजनेस. ठीक है,
हमारा पहला क्या था, मिलविल, सेकंड क्या हमारा फोन था, थर्ड हमारा था ये वाला, फोर्थ था हमारा ये, ठीक है। तो आप यहाँ से बेटा देख के लिख सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स, कि हमें अबव जो सेंटेंस है उसमें से हमें जो मिलते जुलते हैं सेंटेंस वो लिखना है। नियर बाय क्या होता है, एडजेसेंट, मतलब बिल्कुल ही पास, तो हम क्या लिख देंगे, एडजेसेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका आ रहा है एडजेसेंट। एडजेसेंट की स्पेलिंग एक बार दोबारा से चेक, ये है आपकी ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट। अब क्या है, लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, के जब लार्ज ब्रांच ऑफ टी क्या होती है, बो, और छोटी क्या होती है, ट्विग। तो हमारा क्या लगेगा, बी ओ यू जी एच, ये जो आपकी थी ना ये वाली बो, ठीक है। तो हमारे बच्चे ये हमने पूरा क्या है अपना पैराग्राफ समझा, और हमने क्या है पैसेज समझा, और उसे क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है। तो अब आपकी ये जो वर्कशीट है पूरी हो गई। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, तो बच्चे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बच्चों बेल आइकन भी टैप कर दीजिएगा, ताकि हमें क्या है जो आप वीडियो डालें आपके पास मिनटों में पहुंच जाए। और उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं। और बच्चों अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बेटा, कोविड 19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।